तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे, यहाँ पे ए फोर्स इज अप्लाई टू ए स्टील वायर ए, मतलब अगर एक हमारे पास स्टील का वायर है, दिस इज द स्टील वायर, और इस वायर पे हम कुछ फोर्स एफ लगाते हैं, ठीक है, चलो एफ फोर्स लगा देते हैं, इज क्लैंप एट वन एंड, क्लैंप मतलब एक साइड बंधा हुआ, एज ए रिजल्ट इलोंगेशन डेल्टा एल, जैसे ही फोर्स लगाओगे ये जो वायर है वो इलोंगेट हो जाएगा, इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, तो ये जो लेंथ है दैट इज ये हो गया, तो इलोंगेशन जो आ जाएगा ये वाली जो इलोंगेशन इन वायर डेल्टा एल के बराबर आ जाएगा, तो ये जो इलोंगेशन डेल्टा एल है 0.2 मिलीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो 0.2 मिलीमीटर, इफ द सेम फोर्स अप्लाई टू अनदर वायर बी डबल द लेंथ, अगर इसका लेंथ एल था और अगर सेम फोर्स लगाते हो किसी दूसरे वायर पे, ये वायर बी है, तो वायर बी की क्या प्रॉपर्टी है, तो जो वायर बी है और ये वायर ए था, तो वायर बी डबल द लेंथ, 2L इसकी लेंथ है, तो डबल द लेंथ, इफ द सेम फोर्स अप्लाई टू अनदर वायर बी, अब डबल द लेंथ ऑन डायमीटर 2 times, अगर इसका डायमीटर डी है तो इसका डायमीटर 2.4D है, दैट इज D2, यहाँ से अप वायर इलोंगेशन, तो ये कहता है इलोंगेशन इन बी, तो इसमें डेल्टा एल टू की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, तो चलो बेसिकली अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, तो बेसिकली हम सबको पता है एंग्स मॉडल इलोंगेशन के साथ कैसे रिलेटेड है, वाई इज इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल से रिलेशन है। तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो एफ एल अप्लाइड फोर्स और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पाई डायमीटर डी स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हो, और यहाँ से ये डेल्टा एल, कुल मिला के तुम देखोगे यहाँ से तो इलोंगेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा यहाँ से एल अपॉन डायमीटर डी का स्क्वायर, ठीक है, इलोंगेशन इज इक्वल टू, बाकी दोनों चीजें सभी वायर में क्या है, कॉन्स्टेंट है। हाँ, यहाँ पे देखो सेम अनदर सेम स्टील वायर है, स्टील का वायर ऊपर भी था, स्टील भी है, तो वाई सेम होगा, तो अब यहाँ से तुम देखोगे तो डेल्टा एल टू अपॉन डेल्टा एल वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एल टू अपॉन एल वन, ये और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से एल टू अपॉन एल वन की वैल्यू से, यहाँ से तो ये आ जाएगा डी वन अपॉन डी टू, ये वाली जो चीज़ है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो एल टू की वैल्यू 2 times L और ये एल आ जाएगा, और डायमीटर ये डी है और ये कितना है, ये 2.4 डी है, तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये सब इसके ख़त्म हो गए, मतलब कुल मिला के डेल्टा एल टू की जो वैल्यू आ जाएगी 2 is equal to 2.24 और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल वन, डेल्टा एल वन क्या है भाई, एक्चुअल इलोंगेशन, तो एक्चुअल इलोंगेशन यहाँ पहले से दे रखा था, ठीक है ना, एक्चुअल इलोंगेशन यहाँ से पहले से दे रखा था, तो ये 2 और ये 2.24 और ये जो है 0.2, तो तुम देखोगे सब कुछ मिलीमीटर में है, तो एक्चुअल इलोंगेशन अगर कैलकुलेट करोगे तो 6.9 × 10 की पावर यहाँ से -2 मिलीमीटर के बराबर आ जाएगा, दैट इज नथिंग, दैट इज ए डेल्टा एल टू यहाँ से। तो ये वाली जो चीज़ है ये, इसकी हमें यही हमें चाहिए था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।